हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ग्रेटर रोल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो लगी हुई है किस चीज के लिए, आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में के टॉप पर रखने के लिए। सो दोस्तों, आप सभी की डिमांड लेकर आ चुका हूं एक और फुलफिल करते हुए, क्या आपका ईमेल। जी हाँ दोस्तों, अब ईमेल में क्या सारी चीजें जरूरी, क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और एक हम यहाँ पे क्या रखा है, एक कॉपी भी रखी है ईमेल की, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प आउट कर सकती है। ठीक है, आपको किस तरह से, आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अब सबसे पहली चीज क्या क्या करना है वो मैं बता दूं, लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि आपके इस गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे कल सवेरे 10 बजे से लेकर सुबह के, अभी जो शाम के 10 बज रहे हैं, अभी के नहीं, सुबह के 10 बजे से लेकर आपके दोपहर के 2 बजे तक लाइव सेशन कंडक्ट होगा, जहां पे हम रिविजन करवाएंगे आपके इंग्लिश के लेक्चर्स का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज, आप जब भी ईमेल लिख रहे तो आपको पता होना चाहिए क्या सामने वाले पर्सन का ईमेल आईडी, आपको क्या पता रहना चाहिए, आपको क्वेश्चन में मेंशन भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर आप जो ईमेल है वो क्यों कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट मेंशन करना, जैसे हम लेटर राइटिंग में करते थे उसी तरह से वहां पे हम एड्रेस लिखते थे, या फिर हम ईमेल आईडी लिखेंगे और वहां पे हम लोग सब्जेक्ट मेंशन करते थे, तो उसी तरह यहां पे भी हम लोग क्या सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। अब आता है मेन लेटर, मेन लेटर पे हम लोग सैल्यूटेशन में लिखते थे, आज ऐसे सर लिखते थे, डियर सर लिखते थे, मैडम लिखते थे, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड सर, ये सारी चीजें हम लिखा करते थे। फिर फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा आपको, जो पूरा है वो आपको तीन पैराग्राफ में लिखना होगा। सबसे पहला कि रीजन आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। ठीक है, अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जॉब के लिए आप ईमेल कर रहे हो, तो आपको जॉब के बारे में कहाँ से पता चला वो लिखना है, और साथ ही साथ जॉब के लिए तो आप वहां पे अपना जो डाटा है, यानी जो अपना जो सीवी है, वो भी थोड़ा सा क्या डिस्क्राइब कर सकते हो, आपने कहाँ पे काम किया है, क्या वो सारी। अब सेकेंड पैराग्राफ में आप क्वालिफिकेशन, अपने स्किल्स बता सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हो कि थर्ड पैराग्राफ में आप लेटर को खत्म करते हुए क्या एम्प्लॉयर को थैंक यू बोल सकते हो कि वो आपको क्या कर सके, कंसीडर कर सके उसके कंपनी में क्या पोस्ट के, किसी भी पोस्ट के, समझ में आ गया। तो इस तरह से, और लास्ट में वही हमारा योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, एक्स वाई जेड, हम जैसे लिखते हैं, या फिर नाम लिखना होगा तो नाम लिख सकते हैं, जैसा भी आपके क्वेश्चन में कहा गया होगा उस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस वो क्वेश्चन क्या देखिए, चलिए देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रिपेयर लेटर ऑफ द एप्लीकेशन टू बी सेंट बाय ईमेल। ठीक है, डू नॉट गिव योर बायोडाटा, यहां पर हमें बायोडाटा देने से क्या मना दिया गया। अब यहां तक आपका क्वेश्चन है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, सिचुएशन वेकेंट, ठीक है, वांटेड अ कंप्यूटर इंजीनियर, वांट किसकी, कंप्यूटर इंजीनियर की है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास बी, रिक्वायरमेंट क्या है, बीई पास होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, समझ में आ गया। एक्सपीरियंस होल्डर विल बी प्रेफर्ड, यानी जो एक्सपीरियंस जिसके पास होगा, यानी जो जिसने पहले भी काम किया होगा, एक्सपीरियंस होगा उसके पास, उसको क्या पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब ईमेल आईडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरह से देखिए, टू जिसको आप लोग लिखते हैं वहां पे आप लोग टू लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी आ गया, समझ में आ गया। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, सही बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं किस चीज के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो ये इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। फिर मैंने क्या बताया था, सैल्यूटेशन लिखना है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है सामने वाला जो पर्सन रिसीव करने जाए एम्प्लॉयर, वो सर या फिर मैडम है, इस वजह से क्या लिखा, सर स्लैश मैडम लिखा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कि मैंने क्या कहा था, पहले में रीजन होना चाहिए, आई हैव रिसेंटली पास्ड माय बीई, और साथ ही साथ में पता सीवी भी लिख सकते हो, इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम जेएलएम इंजीनियरिंग कॉलेज रत्नागिरी विद अ पास परसेंटेज ऑफ 61, ये सारी चीजें आप भी लिख सकते हो। फिर आई ऑल्सो हैव 3 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया इन्होंने, फ्रॉम कहाँ पे, प्रगति इलेक्ट्रॉनिक्स में रत्नागिरी में। अब वहां पे प्रोजेक्ट क्या था, उनका मेंटेनेंस था अकाउंट का, MHEL प्राइवेट लिमिटेड में, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्लोज करें, आई होप, आई डू होप दैट यू विल कंसिडर मी फॉर द अपॉइंटमेंट, योर एस्टीम कंपनी, आई शैल बी एबल टू अरेंज माई ओन एकोमोडेशन। वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द, मुझे आपकी तरफ से कॉल आएगा क्या इंटरव्यू के लिए, और मेरा जो भी रहने का जो व्यवस्था होगा मैं पुणे में खुद कर लूंगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जो भी मेरा जो डिटेल्स है, उन्होंने क्या यहाँ पे शॉर्ट में अपने बारे में बताया था, और यहाँ पे जो भी बाकी के डिटेल्स है वो मेरी सीवी में उन्होंने क्या अटैच कर दी, और यहाँ पे थैंक यू करते हुए आई एश्योर यू ऑफ डेडिकेटेड सर्विसेज शुड आई बी एबल कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट, आप ये भी लिख सकते हो, या फिर थैंकिंग यू आप लास्ट में लिख सकते हो, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ गया आपका, देखो योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड, यहाँ पे नाम लिखने से मना किया, देखो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा आपको किस तरह से आपका जो ईमेल है वो लिखना, किस फॉर्मेट में लिखना, यहाँ पे आप फॉर्मेट भी देख सकते हो, तो इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो आपका ईमेल।
सो दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक करके बहुत सारी जो राइटिंग स्किल के टॉपिक हमने कवर कर लिया, अब शायद से दो या तीन वो भी मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें कवर कर देंगे, यानी आपका जो पूरा राइटिंग स्किल होगा हम कवर करके दे देंगे दोस्तों। सो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो भी चीज आप पढ़ रहे हो कर रहे हो वो क्या करो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ ही साथ हमारे साथ भी शेयर करो। कहाँ पे? नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रदीप सर के इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, जाके दोस्तों वहां पे आप क्या टैग कर सकते हो और हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियोस कितना देख रहे हो, आप अपना सपोर्ट किस तरह से हमें दिखा रहे हो। और कल के लाइव सेशन में प्रेजेंट रहना ना भूलेगा दोस्तों, सुबह 10 बजे से लेकर क्या दोपहर के 2 बजे तक हमारा लाइव सेशन रहेगा, उस बीच में चलता रहेगा, ठीक है? तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच, आप वीडियो के आखिर तक बने रहो, रात को 10 बजे भी हमारी वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच।